नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,260 करोड़ की सड़कों और पुलों के बिहार को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को एक बार फिर से 9 परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन कुल मिलाकर 14,260 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें पटना के महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले 4-लेन पुल और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले 4-लेन पुल के अलावा कोसी नदी पर फुलौत में बनने वाले नए 4-लेन पुल का नाम शामिल है। इसके साथ ही ऑप्टिकल फाइबर से सभी गांवों को जोड़ने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। वहीं इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उनके नेतृत्व में सभी योजनाएं समय पर पूरी कर ली जाएंगी। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। नियमों का उल्लंघन करने वाले साथ ही तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिहार पुलिस के ओवर स्पीड गाड़ियों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर व्हीकल मिलने वाला है। यह गाड़ी करीब 1 किलोमीटर दूर से ही तेज रफ्तार वाहन को ट्रैक कर सकती है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत कुछ राज्यों में पुलिस द्वारा इस गाड़ी का इस्तेमाल तेज गति पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है। बिहार में भी पुलिस के बेड़े में अब ऐसी गाड़ियों को शामिल किया जा रहा है, जिसके तहत बिहार पुलिस के लिए 17 इंस्पेक्टर व्हीकल खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। यह गाड़ियां उन जिलों की पुलिस को दी जाएगी जहां 4-लेन सड़कें ज्यादा है। बिहार के बीएड सीईटी परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन। बिहार बीएड सीईटी परीक्षा का आयोजन आज यानी कि 22 सितंबर को सूबे के 10 शहर में होने वाला है, जिसमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, मुंगेर में 278 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगा। इन परीक्षाओं केंद्रों पर कुल मिलाकर 122,331 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। इसमें 116,130 छात्र दूरस्थ शिक्षा में बीएड के 6,020 छात्र और शिक्षा शास्त्री के 181 छात्र सम्मिलित होंगे। प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों, पदाधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस बल की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों को अपने साथ सैनिटाइजर की छोटी बॉटल लाना और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, डिजिटल डायरी, पॉमटॉप, पीडीए एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का केंद्र के अंदर प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 8 नवंबर से विमान सेवा होगी शुरू। दरभंगा से देश के कई बड़े शहरों के लिए उड़ान सेवा 8 नवंबर से शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा से देश के कई बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ान भरने का मिथिलांचल के लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। नई दिल्ली के अलावा मुंबई और बेंगलुरु के लिए यहां के विद्यापति एयरपोर्ट से 8 नवंबर को उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। स्पाइस जेट ने इसके लिए सोमवार से ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। छठ पर आने जाने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए 8 नवंबर को दिल्ली से दरभंगा आने वाली पहली फ्लाइट के टिकट पर 13,276 रुपए तक पहुंच गया है। जदयू ऑफिस के बाहर मदरसा शिक्षकों ने किया विरोध। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सूबे में विरोध का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर से बिहार के मदरसा शिक्षकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और मदरसा शिक्षकों ने जदयू कार्यालय और बाहर विरोध भी किया है। मदरसा शिक्षकों का मानना है कि नीतीश कुमार ने वादा किया था कि अगर सरकार बनी तो सभी को वेतन भुगतान किया जाएगा, लेकिन सरकार का वादा धरा का धरा रह गया। इसके साथ ही मदरसा शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि लॉकडाउन में LPC और ट्रस्ट बनवाकर हमारे पैसे खर्च करवाए गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भुगतान नहीं हुआ। सत्येंद्र कुमार दुबे अवार्ड के लिए पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि का हुआ चयन। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि को प्रतिष्ठित सत्येंद्र कुमार दुबे अवार्ड के लिए चयनित कर लिया गया है, जिसकी जानकारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की तरफ से जारी कर दी गई है। कानपुर द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड के लिए जिलाधिकारी को सूचना देते हुए 2 नवंबर को अवार्ड लेने का आग्रह किया गया। हालांकि जारी किए गए पत्र में साफ तौर पर बताया गया है कि कोविड-19 के कारण अवार्ड फंक्शन का आयोजन वर्चुअल तरीके से करवाया जाएगा, जहां पर कुमार रवि को अपने परिवार के साथ फाउंडेशन डे सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,69,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 1,616 प्रभावितों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,69,856 पर पहुंच गई है। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 27, अरवल में 13, औरंगाबाद में 8, बांका में 22, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 31, भोजपुर में 28, बक्सर में 7, दरभंगा में 33, पूर्वी चंपारण में 42, गया में 33, गोपालगंज में 34, जमुई में 8, जहानाबाद में 26, कैमूर में 15, कटिहार में 18, खगड़िया में 3, किशनगंज में 13, लखीसराय में 42, मधेपुरा में 47, मधुबनी में 56, मुंगेर में 16, मुजफ्फरपुर में 125, नालंदा में 60, नवादा में 5, पटना में 260, पूर्णिया में 75, रोहतास में 44, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 23, सारण में 12, शेखपुरा में 21, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 17, सुपौल में 57, वैशाली में 13, पश्चिम चंपारण में 20 मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से
बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,55,824 मरीज ठीक हो चुके हैं, वही 870 लोगों की जान जा चुकी है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनिल अग्रवाल की। अनिल अग्रवाल का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 1954 को हुआ था। अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन है। ताही ने अनिल अग्रवाल 2017 ICC में आईफा ग्लोबल बिजनेस फोरम का हिस्सा भी बने थे। अनिल अग्रवाल का जन्म राजधानी पटना में हुआ था, वही उन्होंने पटना से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके पिता भी एक उद्योगपति ही थे जिनका काम एल्यूमिनियम के कंडक्टर बनाने का था। अनिल अग्रवाल ने 19 साल की उम्र में ही पटना को हालांकि छोड़ दिया था, जिसके बाद वो मुंबई रवाना हो गए थे जहां पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अनिल अग्रवाल ने अपने करियर में अपनी कंपनी को उन्होंने स्टारलाइट इंडस्ट्रीज को पहला प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनाया था, जिसने कॉपर मेटल और रिफाइनरी में अपने उद्योग की स्थापना की थी। आरा के बुलबुल को सोनू सूद ने दी नई जिंदगी। कोविड-19 के माहौल में प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद अब एक लड़की के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ऋषिकेश एम्स में उन्होंने आरा की रहने वाली बुलबुल का ऑपरेशन करवाकर उसे एक नई जिंदगी दे दी है। बुलबुल के परिवार वालों ने सोनू सूद का शुक्रिया अदा किया है। बुलबुल की माँ पिता दोनों काफी खुश है और सोनू सूद के पैर धोकर पीना तक चाहते हैं। आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र का यह वाकया है जहाँ पर करमन टोला के रहने वाले उमाशंकर सहाय की बेटी दिव्या सहाय लगभग 2 साल से पेट की गंभीर बीमारी से प्रभावित थी। जब पता चला तो सोनू सूद ने तुरंत ही अपनी टीम को बोलकर छात्रा की मदद करवाई। बिहार में बहुचर्चित जैविक गेहूं की समुदाय खेती के लिए शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। बिहार में किसानों को जल्द ही पोषक तत्वों से भरपूर गेहूं और अन्य अनाज की सौगात मिलने वाली है, जिसके तहत जल्द ही अपने खेतों में किसान गेहूं और अन्य अनाज की खेती आसानी से कर पाएंगे। राज्य कृषि विभाग की पहल से कुपोषण की समस्या से निपटने और उचित पोषण मूल्यों की फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए पटना के कुकड़ी बीघा गांव के किसान आगामी रबी सीजन में जैविक गेहूं की खेती करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने ग्रामीण विकास परिषद की तरफ से उच्च मात्रा में जस्ता और अन्य पोषक तत्व वाले संक्रमित गेहूं विकसित करने के लिए पहले मॉडल गाँव के रूप में चयनित कुकड़ी बीघा गाँव में लॉन्च किया है। बिहार में गंभीर बीमारी और उम्रदराज कोविड-19 प्रभावित मरीजों की तलाश शुरू। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों के स्वस्थ होने की दर देश में सर्वाधिक 91.60% बताई गई है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर रोगों से ग्रस्त कोविड-19 संक्रमित मरीजों की उम्रदराज जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया है कि कोमोरबिडिलिटी यानी कि जिन्हें पहले से गंभीर परेशानी, ऐसे मरीज कोविड-19 संक्रमित या फिर 50 साल से अधिक उम्र के कोविड-19 संक्रमित मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जा सके। पटना हाईकोर्ट में शिक्षकों की बहाली पर 9 नवंबर को आएगा फैसला। पटना हाईकोर्ट में शिक्षकों की किस्मत का फैसला अब 9 नवंबर को जारी किया जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार राज्य के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट में याचिका पर फैसला सुनाने की तारीख 9 नवंबर तय की गई है। इसके साथ ही जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की पीठ ने हरे राम कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाने की तारीख 9 नवंबर को निर्धारित की है। उक्त याचिकाओं में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें DLED उम्मीदवारों को बहाली के लिए प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। मदरसे के 15 लाख छात्रों के लिए नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मदरसे के 15 लाख छात्रों के लिए बिहार सरकार ने अहम फैसला सुनाया है। सरकार के इस फैसले के बाद से मदरसे के छात्र भी अब अप टू डेट रहने वाले हैं। उर्दू अरबी के साथ साइंस विषय लेकर लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। इंग्लिश में बात करते हुए अपनी खूबियों से वाकिफ करवाएंगे। सरकार के इस बड़े फैसले से बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें बिहार के मदरसा शिक्षा बोर्ड को लेकर लोकसभा में एक सवाल उठा था। इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जवाब देते हुए बताया था कि बिहार में 4,000 पंजीकृत मदरसे हैं जिन्हें भारत सरकार ने सौगात दी है। कृषि बिल के खिलाफ 25 सितंबर को सड़कों पर उतरेगी राजद। कृषि बिल के खिलाफ पूरे देश में विरोध जारी है। पंजाब और हरियाणा में किसान सड़कों पर उतर गए हैं। बिहार में भी अब विरोध की शुरुआत होने वाली है। इसी क्रम में राजद ने अब विरोध की शुरुआत करते हुए 25 सितंबर को पूरे बिहार में विरोध करने का ऐलान जारी किया है। कृषि बिल के विरोध में राजद का राज्यव्यापी विरोध दिखने को मिलेगा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बात की जानकारी दे दी है। साथ ही संसद द्वारा पारित कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल इस बिल का विरोध करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार के इस विधेयक को किसान और गरीब विरोधी भी बताया है। अगले 48 घंटे में बारिश के बढ़े आसार। राजधानी पटना समेत कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश के बाद मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो तराई और गंगा के मैदानी इलाके से जुड़े जिलों में बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया था। इसकी वजह से प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में चल रही उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। IMD पटना के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के केंद्र की वजह से बिहार में एक मॉनसूनी सिस्टम भी बन रहा है, जिससे बारिश के आसार और ज्यादा बढ़ गए हैं।
बिहार चुनाव की तैयारी हुई तेज। कोविड 19 के माहौल के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने भी चुनाव की तारीख के अलार्म को लेकर अपनी तैयारियां को लेकर अंतिम रूप देने में जुट गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा की अगुवाई में चुनाव आयोग अगले 2-3 दिन में बिहार यात्रा को लेकर तारीख तय कर सकती है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव का आयोजन होने वाला और माना जा रहा है कि यह चुनाव अक्टूबर में करवाया जा सकता है। देश के अन्य राज्यों की तरह यहां भी कोविड 19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव आयोग के कोविड 19 के इस दौर में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। कितने साल में पूरा होगा गांधी सेतु के समानांतर पुल का निर्माण? महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन के प्रस्तावित सेतु का निर्माण 3.5 साल में किया जाएगा। इसके साथ ही गांधी सेतु के पूर्वी लेन को भी सुपर स्ट्रक्चर में बदलने का काम 1 साल से पूरा हो जाएगा। यह बातें पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने गायघाट में आयोजित शिलान्यास समारोह में कही है। मंत्री ने कहा है कि पटना में रिंग रोड के निर्माण होने से वैशाली, पटना और सारण जिले को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके लिए 15,000 करोड़ की योजना का काम किया गया है। एयरपोर्ट बनने के कारण कन्हौली नौबतपुर होते हुए बेलदारी चक के रास्ते यह सड़क कच्ची दरगाह के पास बनने वाले पुल से जुड़ जाएगी। बिहार के हर गांव में मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा। बिहार में अगले 6 महीने के अंदर सभी गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के सभी गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। इस योजना की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत बिहार में 46,000 गांव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए 640 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इस योजना के तहत 1,000 दिनों में देश के 6 लाख गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जाएगा। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की इन दिनों तबियत काफी ज्यादा खराब चल रही है। वहीं अब दिल्ली के एक अस्पताल में उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। उनकी तबियत को लेकर उनके पुत्र चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हालचाल पूछे जाने पर धन्यवाद व्यक्त किया है। इस संबंध में लोजपा अध्यक्ष श्री पासवान ने ट्वीट करके कहा है कि कल और आज में कई बार प्रधानमंत्री ने मुझसे बात कर पापा का हाल जाना। पापा के इलाज में लगे डॉक्टरों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। इस घड़ी में प्रधानमंत्री का साथ में खड़े रहने के लिए उन्हें सहृदय धन्यवाद। उपसभापति हरिवंश को लेकर सियासत हुई तेज। कृषि विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के दौरान उपसभापति हरिवंश के साथ विपक्ष के बर्ताव में बिहार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, जिसके बाद बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए एनडीए ने साफ तौर पर कहा है कि उपसभापति हरिवंश के साथ हुए बर्ताव का जवाब उन्हें राज्य की जनता देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे पर कहा है कि राज्यसभा में जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था, जितनी निंदा की जाए इसकी वो कम है। वहीं मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति के साथ सदन में जो अमर्यादित घटना हुई उसने पूरे बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया किसान और गरीब विरोधी। कृषि विधेयक को लेकर देश भर में विरोध का माहौल है। कृषि बिल पर जो बवाल हो रहा है उससे एपीएमसी पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि किसान और गरीब विरोधी नीतीश भाजपा ने बिहार में 2006 में एपीएमसी बंद कर दिया था। उसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि तब से बिहार सरकार के कुल खाद्यान्न लक्ष्य का 1% भी कभी एमएसपी पर नहीं खरीदा गया। इससे गरीबी बढ़ी है और यहाँ पलायन का मुख्य कारण बना है। हर दूसरा परिवार पलायन करता है। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु ने दर्ज की जीत। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु ने आईपीएल सीजन 13 में शानदार जीत दर्ज की है। वहीं सनराइजर हैदराबाद को 10 रनों से मात भी दी है। आपको बता दें आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए थे। वहीं सनराइजर हैदराबाद की टीम मात्र 153 रन पर आउट हो गई थी, जिसके बाद आरसीबी ने 10 रनों से जीत का आगाज किया है। एनसीबी ने शोविक की रिमांड को लेकर सेशन कोर्ट में दी अर्जी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी के हस्तक्षेप के बाद कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया था, जिसके तहत रिया चक्रवर्ती और उसके भाई का नाम भी शामिल है। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार इस मामले में एनसीबी ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ने आशा और श्रुति मोदी को भी मंगलवार को पेश होने के लिए समन जारी किया था। एनसीबी ने जया शाह और श्रुति मोदी को भी मंगलवार को पेश होने के लिए समन जारी किया था। टीम ने सुशांत के पूर्व टैलेंट मैनेजर जया शाह से सोमवार को करीब 4 घंटे पूछताछ की है। मल्टी डिवाइस पहुंचा टेस्टिंग की फाइनल रिलीज पर। मल्टी डिवाइस कई महीनों से सुर्खियों में जारी है। वहीं अब जल्द ही व्हाट्सएप बीटा यूजर के लिए इसे जारी किया जाएगा। मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार बीटा वर्जन यूजर को जल्द ही मल्टीपल डिवाइस फीचर मुहैया करवाया जाएगा। इस फीचर से यूजर एक व्हाट्सएप अकाउंट को 4 डिवाइस तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए प्राइमरी फोन को इंटरनेट से कनेक्ट रहने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अभी यूजर व्हाट्सएप को पीसी और ब्राउजर के जरिए चला सकते हैं, लेकिन प्राइमरी फोन का इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी होता है। ऐसा लगता है कि फीचर को अंडर लिंक्ड डिवाइस में लिंक किया जा रहा है और एक टॉगल होगा जो मल्टीपल डिवाइस
डिवाइस को इनेबल करने में आपकी मदद करेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता सिंह, राहुल यादव, असलम राज, बबलू कुमार, ओमकार सिंह, मंजीत कुमार साहू, पंकज कुमार, अभय कुमार, संजीव यादव, अभिषेक रॉयल, मिंटू कुमार, प्रफुल कुमार, रंजन, शंकर मुखिया, कृष्णा कुमार, सुनील सिंह, संजय कुमार, पप्पू कुमार, संजीव कुमार, कुश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 45,000 से अधिक गाँव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के फैसले से कौन कौन से फायदे होंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।